हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ब्लोअर का जो ये मैं एक सिग्ना गाड़ी से निकाला हूँ और ये पूरा ब्लोअर का एक सेट है। देखिए यहाँ पे ये मोटर है ब्लोअर वाला और ये है उसका स्विच और ये उसका एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। देखिए ये यहाँ पे लगा होता है और देखिए ये ऐसे यहाँ पे लगा होगा और ये मोटर जो है ये इसके अंदर रहता है, ऐसे ऐसे लगा होता है और ये स्विच रहता है डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो देखिएगा मेरे चैनल पे स्विच के बारे में, ब्लोअर का मोटर है इसके बारे में, या ये जो रजिस्टर है इसके बारे में, ये तीनों पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है। उसके वायरिंग के ऊपर भी वीडियो अपलोड है, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल नहीं है, बोर्ड पे है। तो अभी मैंने अभी इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकल और दिखा दे रहा हूँ कि कौन चीज़ कैसा होता है, क्या सिस्टम है इसका ब्लोअर का, इसका वायरिंग का क्या सिस्टम है और ये जो स्विच काम कैसे करता है। ये सब तो आप चाहिएगा तो वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी ये टोटल चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम वायरिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रहता है स्विच, देखिए ये स्विच का कनेक्टर मैंने एक अलग से लगा के रखा हूँ दिखाने के लिए, लेकिन देखिए ये ओरिजिनल इसका कनेक्टर है, ये ऐसे लगा होगा और ये वाला जो है ये छोटा वाला ये यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ जो दो वायर आप देख रहे हैं ना, इसमें एक पार्किंग लाइट का वायर है, मतलब जैसे ही पार्किंग लाइट ऑन करेगा तो ये जो देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट कलर का जो ये पेंट हुआ है ये सब ऑन हो जाएगा, मतलब इसमें एक लाइट लगा हुआ है ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये सिर्फ पार्किंग लाइट के लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें वायर भी सिर्फ पार्किंग लाइट का है। और उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे ये पांच वायर इसमें लगा हुआ है और इसमें भी पांच पिन है। जब इसके ऊपर वीडियो देखिएगा तो वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कैसे काम करता है। देखिए एक दो तीन चार, ये चार स्टेप में काम करता है। पहले से इसमें एक ग्राउंड चला जाता है और वो ग्राउंड चार, देखिए पांच, देखिए ये जो है T5, इसमें देखिए इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है T5, T3, T2, T4, T1, ठीक है, ऐसे नंबर लिखा हुआ है। T5 में एक ग्राउंड होगा, देखिए ये जो T5 है, देखिए T5 के जगह पे एक ग्राउंड वायर लगा हुआ है, तो ये है ग्राउंड। और जैसे ही वह एक घाट इसको ऑन कीजिएगा, पहला स्टेप जैसे ही देखिए ये पहला स्टेप ऑन कीजिएगा तो ये ग्राउंड जो है ये ब्लू कलर का वायर जो है यहाँ से निकलेगा। दूसरा जब स्टेप ऑन कीजिएगा तो वही ग्राउंड ब्लू को छोड़ करके ये ग्रीन है यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद से रेड है, उसके बाद से रेड पे ब्लैक है, मतलब जैसे जैसे स्टेप ऑन कीजिएगा यही ग्राउंड एक एक वायर में आता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका वायरिंग, ये स्विच वाला, ठीक है। उसके बाद से इधर आइए, ये जो वायरिंग है ये सब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मोटर में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और ये जो एक कनेक्टर है ये है रजिस्टर के लिए, यहाँ पे ये ऐसे लगेगा, देखिए ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये लगता है वायरिंग हार्नेस में, ठीक है, ये लग जाएगा वायरिंग हार्नेस में। यहाँ पे देखिए ये दो वायर है, ये वही दो वायर है यहाँ वाला, देखिए यहाँ वाला दो वायर है, ठीक है, ये दो वायर। तो ये एक पार्किंग का हो गया, एक ग्राउंड हो गया पार्किंग लाइट के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मेन वायर है, ये है मेन वायर, यानी ये पॉजिटिव इसमें आएगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट आ गया है कहाँ, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ब्लोअर में, ये कहीं नहीं गया है, ये डायरेक्ट ये वायरिंग होकर के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये कहीं नहीं गया है, ना ये स्विच में गया है, ना ये रजिस्टर में गया है, ये कहीं नहीं, ये डायरेक्ट करंट आ जा रहा है ब्लोअर मोटर में करंट आ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड इसमें नहीं आ रहा है। ग्राउंड के लिए ये जो सारा सिस्टम लगा हुआ है ना, ये सब ग्राउंड के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड आता है तो जैसे जैसे हम ऑन करेंगे ग्राउंड इधर आते जाएगा। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का जो भी वायर इसमें आप देखे थे, यहाँ पे आप जो भी वायर देखे थे ये सारा वायर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अभी क्या था कि इसमें T5 में जो वायर लगा हुआ है वो ग्राउंड लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्राउंड वायर नहीं है। यहाँ पे जो भी आ रहा है चार, देखिए इसमें लगा हुआ है पांच वायर और जो रजिस्टर का है इसमें लगा हुआ है चार वायर, यानी एक वायर जो है इसका वो डायरेक्ट चला गया है स्विच में और चार वायर डायरेक्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है, चार वायर डायरेक्ट यहाँ पे आया है और वही चार वायर डायरेक्ट यहाँ पे भी आया है। मतलब देखिए क्या सिस्टम, समझिए अभी ये समझने के लिए, ये सारा कुछ समझने के लिए देखिए यहाँ पे, देखिए ये ग्राउंड जो वायर है ना, ये ग्राउंड का जो वायर है वो डायरेक्ट इस वायरिंग से होते हुए आ गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड का वायर यहाँ आ गया है, ठीक है, और कहीं नहीं गया है। ये वायर यहाँ आया है और जो एक वायर था उसमें रेड पे जो पीला कलर का था वो आ गया है यहाँ पे ब्लोअर में, ठीक है, एक वायर इसका आ गया यहाँ पे और एक वायर आ गया ये स्विच में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे T5 जो लिखा हुआ है इसके अंदर आ गया ग्राउंड, मतलब देखिए मेन जो है और ग्राउंड ये डायरेक्ट एक
चला जा रहा है मोटर में, एक आ जा रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये क्या किया है सिस्टम इसका वायरिंग का कि ये देखिए ये अब यहाँ पे अगर हम लगा दें तो क्या होगा कि जैसे ही हम एक घट ऑन करेंगे, पहला स्टेप जैसे ही ऑन करेंगे, तो ये जो ग्राउंड का आपको दिख रहा है ना, ये ग्राउंड का वायर ये जो है ये ब्लू कलर में करंट दे देगा, मतलब जो भी इसके पास अर्थ है वो अर्थ दे देगा ब्लू में। तो ये ब्लू वाला वायर जो है ये डायरेक्ट आ गया है यहाँ रजिस्टर के पास, ठीक है, रजिस्टर के पास। और रजिस्टर पे भी मेरा वीडियो अपलोड है, उसको देखिएगा तो क्लियर और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आता है ना, ये देखिए ये पहला स्टेप है, यहाँ पे जैसे ही ग्राउंड आएगा तो क्या करेगा ये ग्राउंड जो है क्या करेगा, देखिए ये जो वायर है ये जो एक रेड पे ब्लैक कलर का वायर है ये इसका आउटपुट वायर है ये रजिस्टर का। मतलब यहाँ पे अगर ग्राउंड आ गया तो यहाँ से जो ग्राउंड निकलेगा जाने के लिए मोटर में, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो करंट है वो ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा। मतलब करंट है जिस, अब रेजिस्टेंस कैसे समझाए, जैसे देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर जैसे एक पाइप में पानी जा रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है एक पाइप से, मैंने उस पाइप में चार पत्थर रख दिया, छोटा छोटा चार कंकड़ रख दिया, अब चार कंकड़ रखने की वजह से पाइप में से जो पानी बह रहा था वो थोड़ा अब कम कम होकर के बह रहा है, वही हो गया रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब बहाव के बीच में कोई चीज़ रोकने वाला, जैसे अगर करंट बह रहा है तो उसके बीच कोई रोकने वाला चीज़ जो करंट को रोक सके मतलब उसको पूरा उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसको ऐसा करना है कि जैसे पानी बह रहा है, अब हम उसमें थोड़ा सा चार पत्थर रख दिए तो पानी थोड़ा कम होकर के बह रहा है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो ये वही काम करता है कि जब भी यहाँ पे करंट आएगा तो ये इसका आउटपुट पिन है, ठीक है, ये इसका आउटपुट वायर है, जब भी इसमें करंट आएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होकर के निकलेगा। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा जब पत्थर होगा बीच में करंट के बहने वाले रास्ते में, तो क्या होगा मोटर स्लो चलेगा, उस समय मोटर स्लो चलेगा। अब देखिए अब दूसरा स्टेप को जब ऑन कर रहा है स्विच से तो क्या हो रहा है, देखिए जब भी हम ये दूसरा ऑन कर रहे हैं तो दूसरा में क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला जो वायर है ना यहाँ पे करंट आता है, मतलब जो ग्राउंड है इसके पास वो ग्राउंड यहाँ आ जाता है। तो ये ग्राउंड देखिए कहाँ गया है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का वायर, जब इसमें करंट आएगा मतलब जब इसमें ग्राउंड आएगा तो रेजिस्टेंस जो अगर 5 था, अगर समझिए कि अगर रेजिस्टेंस अगर ये पत्थर जो भी रेजिस्टेंस था वो 5 था यहाँ पे करंट आने से, तो यहाँ पे करंट आने से क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस हो जाएगा पत्थर जो है वो 4 हो जाएगा। जब 4 होगा एक पत्थर हटा दीजिएगा तो और जो है ये जो करंट है वो और तेज़ी से बहने लगेगा, तेज़ी से बहेगा तो मोटर और स्पीड चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो स्टेप, आइए अब हम तीसरा स्टेप हम लगा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए तीसरा स्टेप ऑन करेंगे तो रेड कलर का एक वायर है, देखिए ये रेड कलर का वायर, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर का वायर है, और जब भी रेड कलर के वायर में ग्राउंड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का वायर यहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रेड कलर का वायर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी ग्राउंड आएगा तो रेजिस्टेंस अगर 4 हो गया है तो हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, मतलब और भी रेजिस्टेंस कम हो गया। जब और भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोटर जो है और स्पीड चलेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम चौथा स्टेप जैसे ही ऑन करते हैं तो ये कलर देखिए एक वायर का कि रेड पे ब्लैक कलर का वायर है, ठीक है, और यहाँ चौथा में रेड पे भी ब्लैक कलर का वायर है, मतलब अगर चौथा स्टेप हम ऑन करते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब इसी में डायरेक्ट जो ग्राउंड है वो अब रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट अब जा रहा है मोटर में, मतलब फुल स्पीड में हमारा मोटर चलेगा। तो ऐसा ही काम करता है ये ब्लोअर सिस्टम, ठीक है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। इस पे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है बोर्ड पे, वो उसमें भी मैंने क्लियर करके समझाया हूँ कि 3 स्टेप में कैसे काम करता है। मेरे चैनल में जाइएगा तो हर चीज़ का प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे पार्किंग लाइट, इंडिकेटर लाइट, या हेडलाइट, या कोई भी रिले हो, या एग्जॉस्ट ब्रेक का, या ABS ब्रेक का हो, या हैजर्ड स्विच का हो, या जो भी है फ्लाशर हो, या वाइपर कंट्रोलर हो, हर चीज़ पे मेरा वीडियो मिलेगा, हर गाड़ी के वायरिंग के ऊपर वीडियो मिलेगा, उसका डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे अगर इस वीडियो को समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर चीज़ पे यहाँ पे वीडियो आपको मिले।